आपका? सत्येंद्र। पिताजी का नाम? श्री रामचंद्र। गाँव कौन सा है? पिखलौनी। पिखलौनी। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये कितने बजे की घटना है? शाम 8 बजे। जी कहाँ से उड़ा था ये? ये हवाई पट्टी यही है यहाँ पास में। अच्छा कितने लोग सवार थे इसमें? 2 लोग थे। अच्छा 2 लोग सवार थे जी। कोई घायल वगैरह कुछ? ना, कोई घायल नहीं हुआ है। कोई घायल नहीं है। तो ये कितनी ऊंचाई पे था लगभग जो कि ये गिरा है ऐसा कुछ आपका? मान लो 10-5 मीटर की दूर ऊंचाई पर था। मीटर जी 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 ठीक। नाम है तुम्हारा? अनिल कुमार सिंह। गाँव कौन सा है? ये गाँव तुम्हारा पड़ेगा फरुखाबाद जी। तो ये क्रैश हुआ है, इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा और ये क्रैश कैसे हुआ फिर? ये तो हुई या नहीं? अच्छा अच्छा कितने लोग सवार थे इसमें? 2 थे। 2 लोग सवार थे। कितने बजे करीब घटना है? तो 8:30। 8:30 बजे। ये क्या मामला हुआ है आपके यहाँ पे एयरपोर्ट का? ये जो है रात फ्लाइंग के लिए गए थे, एक इसमें सोरेम जो है वो थे पायलट जी, और अजय यादव इसमें करीब थे। अरुण यादव जो इसमें शिक्षार्थी थे। शिक्षार्थी। अच्छा तो ये रात कोहरे में जो है ये वहाँ पे पिलखनी के जंगल में गिर गया। तो उसमें कोई हताहत हुआ है? नहीं हताहत कोई नहीं हुआ, बल्कि मामूली सी वैसी चोट चाल थी मामूली वैसी। अच्छा जहाज कितना क्षतिग्रस्त हो गया लगभग? जहाज तो जो है उतरने के बाद में ये पलट गया काफ़ी है, 2-3 आधा क्षतिग्रस्त है आगे से सारा। तो इस संबंध में इसकी जांच के लिए कोई आया था वहाँ पर? दिल्ली से टीम आई थी। तो क्या जाँच की जानकारी? वो जाँच की है उन्होंने जो है करीब 3-4 घंटे में मौके पर जाकर जाँच की। मतलब क्रैश होने की कोई वजह जानकारी हुई? कोहरा कोहरा हो सकती है।